हेलो फ्रेंड्स, आज 19 अक्टूबर 11 बजे का टाइम हो रहा है, 11:15 का, और मैं जा रहा हूँ बरेली। कुछ शॉपिंग वगैरह करके लाएंगे, वो सब आपको इस ब्लॉग में आज दिखाने वाले हैं। तो ब्लॉग पर आप लास्ट तक बने रहिए। और बरेली में कैसा माहौल है, क्योंकि कल रात बारिश हुई थी, वो सब आज आपको इस ब्लॉग में पता लग जाएगा कि बरेली में पानी है, कीचड़ है, रास्ता कैसा है, वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो ब्लॉग पर लास्ट तक बने रहिए, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बरेली में आ गए हैं और हमें जाना है बरेली रोडवेज, वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। तो अभी हम पहले रोडवेज जाएंगे, उसके बाद और कहीं से सामान लेना है वो हम बाद में लेंगे। तो पहले हम जाते हैं रोडवेज। तो अभी हम सैटेलाइट बस अड्डा, जो आपको सामने दिखता होगा, वहाँ पर आ गए सैटेलाइट, और आपको यहीं से जो बसें जाती हैं वो यहाँ से मिलती हैं, और जहाँ हम जाने वाले रोडवेज वहाँ पे भी बसें मिलती हैं। वो पुराना बस अड्डा है और ये नया बस अड्डा है। तो बरेली श्यामतगंज में कुछ ऐसा जलभराव देखने को मिला है, क्योंकि बारिश की वजह से और सड़क पे बहुत सारे गड्ढे हैं, इसकी वजह से कुछ ऐसे पानी इकट्ठा हो गया था बरेली में। तो गाइस, हम लोग बरेली रोडवेज पे पहुंच चुके हैं, जो कि पूरे जिले का सबसे बड़ा एक इलेक्ट्रिक प्लेस है, जहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाती हैं, और पूरे बरेली ज़िले में हर जगह सामान यहीं से जाता है। फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ बरेली के रोडवेज में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक का सारा सामान मिलता है। तो दीपावली के लिए झालर वगैरह लेने के लिए आया हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है रोडवेज, और ब्लॉग में बने रहिए। तो दीपावली की वजह से रोडवेज भी काफ़ी सज गया था, क्योंकि लाइटें वगैरह बिकनी थी लोगों की, तो शॉप पे लाइटें कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप शाम को रोडवेज जाते हो, बहुत ही एक अच्छा सा रोडवेज आपको देखने में लगता है, पूरा रोडवेज जगमगाया सा होता है। अभी मैं डे लाइट कंडीशन में गया हूँ, तब भी काफ़ी शॉप्स वगैरह सजी हुई थी। तो अभी हम आए हैं वी मार्ट बरेली में कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैं रोडवेज होके आ गया था, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ लाइटें वगैरह लेनी थी दीपावली के लिए, वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगा। बाकी अभी वी मार्ट में आया हूँ, कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, कुछ खाने पीने का सामान देख लेते हैं चल के। तो चलिए, वी मार्ट के अभी पार्किंग में हूँ, बाइक पार्क कर दिए, चलते हैं ऊपर। तो अभी वी मार्ट में नया कलेक्शन आ गया है विंटर्स का, आप यहाँ शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, विंटर्स के लिए स्वेटर वगैरह खरीद सकते हो। तो अभी हम आए हैं विशाल मेगा मार्ट कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो देखते हैं, कुछ सामान जो लेना है वो ले लेते हैं। शॉपिंग के पर्पज से विशाल मेगा मार्ट और वी मार्ट
जहाँ पे आपको ठीक प्राइसिंग लगे वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे दीपावली का कुछ सामान रखा हुआ था, सजा हुआ, वो हमने यहाँ पे देखा था और कुछ लिया भी था, वो हम आपको घर चल के दिखाएंगे। बाकी ऐसा कुछ दिखता है विशाल मेगा मार्ट। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो बरेली में तो आप विशाल मेगा मार्ट या बी मार्ट, जहाँ पे आपको ठीक प्राइसिंग वगैरह लगे, तो आप किसी से सामान ले सकते हो। आपको ठीक ठाक और अच्छा सामान देखने को यहाँ पे मिल जाता है, कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हमने खरीदी थी, एक दीपक का सेट और ये कॉर्ड था दीपावली के लिए हम लेके आए थे। वो मैं आपको जितना भी सामान है हम घर चल के आपको दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ क्या क्या लेके आया हूँ बरेली गया था। ये देखिए झालर लेके आया था सितारे वाली, बाकी ये कुछ लाइटें और लेके आया था, ये चाय की पत्ती, ये धूप पत्ती, ठीक है, ये कपड़े वो बर्तन धुलने के लिए, ये शैम्पू, एक डस्टबिन ये आया था, इसके अंदर दालें, ये सभी लेके आए थे। बाकी ये दीपक लेके आए थे, 50 रुपए के मिले थे चार रंगोली पे रखने के लिए, और एक आइटम और थे, और ये एक आइटम और लेके आए थे रंगोली पे रखने के लिए, ये है। तो इसमें दीपक रख दो, ऊपर ये परफ्यूम डाला जाता है इससे खुशबू आती है, और ये 100 रुपए का मिला था। तो इतना सामान लेके आए थे बरेली गए थे। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग में इतना ही, बाकी बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे इस चैनल को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके नीचे बता देना ब्लॉग कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक जय हिंद।